कंपटीशन बीट करना है, सारी बातें बताएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। अब पूरा खा ही जाओ, तबीयत भी खराब है आजकल इनकी, तबीयत थोड़ी खराब है, टाइफाइड हुआ। मैंने कहा टाइफाइड क्या कर लेगा, आइए कल तो आपको ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा आलस कर रही थी ये, मैंने कहा आना ही पड़ेगा, कि कह रहे थे बीमार हैं ये, मैंने कह रहे आइए जो है। आज सबसे बड़ा दिन है, पता चला आते ही नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब होगा, ये तो इतिहास में दर्ज। कितना अच्छा लग रहा है स्टेथोस्कोप पा करके। एक दिन सपना था इनका कि स्टेथोस्कोप मेरे पास होगा, और देखिए शुरुआत पांडे क्लासेस से हुई है। अब ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, कैसे आप करें, कैसे सेलेक्ट हों, कैसे धैर्य बनाएं, सारी चीज़ों पर ये बताएंगे आपको। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 591 था, इस बार मेरा 632 था। मैं बस यही कहूँगी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्टअप रखिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट पेपर्स अटैम्प्ट करिए, और जो भी चीज़ें हैं बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा नए की तरफ लास्ट के 2-3 मंथ्स में मत जाइए, उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करिए, वही चीज़ें आगे चल के काम आती हैं। और बाकी फिज़िक्स पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, RK सर हर चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं, तो केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। मेरे लिए काफ़ी ईजी कर दी थी सर ने, हर चीज़ को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया था। और बायो मैंने रोज़ एक चैप्टर मैंने पढ़ा और फिर उसके क्वेश्चंस लगाए, और सर की डायरी भी मैंने मेंटेन करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक किया भी था मैंने। थैंक यू। कोई क्वेरी है किसी की? जानवी से कुछ पूछना है? नहीं बच्चों, जानवी ने आपको इन्होंने बताया कि हमने कैसे कैसे पढ़ाई किया, पर ये एक्चुअल में क्लास का डिसिप्लिन मेरे बी बैच में थी, ये बी बैच में, हाँ, और क्लास का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। मेरे दिमाग में पहले ही दिन जब मैंने क्लास में देखा और उसमें पढ़ा रहा था, तो बाकी बच्चों का बॉडी में कुछ न कुछ मूवमेंट होता रहता है इधर उधर, पर ये मेरे को बिल्कुल यूनिक कि केवल एक कंडीशन में बैठना और केवल दिमाग ही चले, नो मूवमेंट ऑफ बॉडी, और परफेक्ट कंसंट्रेशन, हर क्वेश्चन को ट्राई करना, आंसर को देखना, आंसर को जल्दी से बताना, और अगर लग रहा है कि आंसर आ जाए तो सर सर रुकिए बताते बताते हैं। तो ये इनके अंदर एक चीज़ ये था कि हमेशा खुद पे भरोसा करना कि मैं खुद अच्छा कर सकती हूँ। कोई भी क्वेश्चन सर आप मत बताइए, मैं लगाऊंगी, तो इन्होंने अभी यही बोला है। क्या बोला कि पहला काम क्या है? खुद पे भरोसा करना। आपको खुद पे भरोसा क्या करना है? कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है और मेरे को अच्छा ही करना है। जानवी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने बोली कि मेरे सर तो थोड़ा तबीयत नहीं सही है, टाइफाइड वगैरह फीवर उवर था, तो मैंने कहा ठीक है जैसा, लेकिन ये है कोचिंग और इनका है अपना कोचिंग के लिए, टीचर के लिए, इस कंडीशन में भी यहाँ पे आई। और जानवी के आने वाले समय अच्छा भविष्य के लिए पूरे कोचिंग परिवार के सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे जाएं, और इसी तरह से लोगों के अंदर ये जगाएं कि अपने पे पहले विश्वास करो, पहले अपने पे विश्वास करना सीखो, तो जब तुम अपने पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो मंजिल पास आ जाएगी। ये बच्चों अभी और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ये मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट, और इन्होंने लगातार परफॉर्म किया, कभी कोई टेस्ट नहीं छूटा, कभी कोई टेस्ट नहीं छूटा। और DPP रात में अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था, मैंने नहीं बता पाया, DPP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रात में 10 बजे लगता है, 9 से 11 के बीच में। आप कई लोग नहीं देते हैं, आप देखिए जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं क्या बोल रहे हैं, DPP दो, टेस्ट दो,
क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, गलत हो जाए उसका रिवीजन करो, उसको एनालाइज करो, टीचर से पूछो, यही कर रहे हैं। और अगर आप इसे नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चों इनके इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए कि सिलेक्शन इन्होंने कैसे पाए, और वो सिलेक्शन का मेन मंत्र यही है कि जो अभी इन्होंने बोला, खुद पे विश्वास, टेस्ट, यही सब है, और जो टीचर कहें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ले चलो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अभी जाह्नवी के पापा भी आए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कितना संघर्ष किए होंगे वो, तो मैं चाहूँगा वो भाई साहब आप भी आएँ और दो शब्द ज़रूर कहें पांडे क्लासेस के बारे में, शिक्षक के बारे में, अपने बिटिया के बारे में। मैं एक्चुअली आर्मी में था, अभी पेंशन आ गया हूँ। तो लड़की को जो छोड़ दिया था कि आप करना क्या है, तो इन्होंने डॉक्टर की लाइन चॉइस किया। तो उसके बाद आर्मी स्कूल में 12वीं की, 12वीं के बाद पांडे सर का मार्गदर्शन में कोचिंग किया, तो 632 नंबर आया, लेकिन थोड़ा उम्मीद और ज़्यादा थी। वो तो हमेशा ज़्यादा रहती। ठीक है, बस यही इतना कहना चाहूँगा, लेकिन बच्चे मतलब पढ़ना चाहिए अच्छे से, और क्वेश्चन जो है ना, सभी क्वेश्चन देखना चाहिए पहले, ये नहीं पहले मतलब गोला घुमा दो और उसके बाद फिर हल करने के बाद क्वेश्चन जो है ना सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, बस यही। बता दीजिए दो बात में, मेहनत तो की है उसने बहुत। हाँ, 632 लाना, पहले बार में 591 नंबर आना, नो डाउट बहुत बड़ी सफलता उसकी है। तो कैसे लगातार पढ़ती रहती थी, मैंने जैसे उसने किया। हाँ, इनका जो पढ़ाई का टाइम था तो रात में ज़्यादा पढ़ती थी, तो इनको मैं मना भी करता था, लेकिन 2:30-3 बज जाता था इनको, तो उसी दौरान इनको सर्वाइकर की बीमारी जो आ गई, तो जिससे इनको काफ़ी दिक्कत हुआ उसकी वजह से। तो हमारे जो आइडिया है, कम से कम आपको 12 बजे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। 12 बजे के बाद भले आप सुबह उठ जाओ 6 बजे 5 बजे। बाकी इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। ठीक, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।